चंद्रयान टू, यह शक्ति है भारत के स्वावलंबन की, यह शक्ति है भारत की स्वदेशी की ताकत की, यह शक्ति है भारत की मेधा की। 1960 के आसपास जब अमेरिका, जब रूस अंतरिक्ष में चांद पर पहुंच चुके थे, उस समय हमने अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के विषय में एक दिन हमने बातचीत की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई वो थे जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सबसे पहले फिजिक्स की लैब अपने घर के अपने बंगले में खोली, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सबसे पहले अंतरिक्ष का सपना देखा। डॉक्टर कलाम का, यद्यपि इंटरव्यू में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, तो भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनको पहचान लिया था। और डॉक्टर कलाम जैसे वैज्ञानिक को तराशने का काम, हीरे को तराशने का काम डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को आज हम याद करते हैं, विक्रम साराभाई को याद करते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करते हैं, जिनके कारण आज भारत दुनिया के वो तीन देश अमेरिका, चीन और रूस उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ आंखों में आंखें डालकर आंखें मिला सकता है। यह अंतरिक्ष की हमारी ताकत है कि हम अंतरिक्ष के सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। एक चीन और चीन के बाद अपना भारत ऐसी बड़ी ताकत है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को, सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। तो भारत ये जो अंतरिक्ष में ताकत बना, ये स्वदेशी के बल पर बना। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर भाभा ने उस समय सपना देखा था कि हम भारत को स्वावलंबन देंगे, हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। उस समय उन्होंने एक तो परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और दूसरा अंतरिक्ष का कार्यक्रम शुरू किया। आज जितने पैसे में हॉलीवुड की एक मूवी बनती है, एवेंजर की जो एंड गेम अभी एक मूवी बनी थी, उसकी लागत 2500 करोड़ थी। इस पूरे चंद्रयान 2 अभियान की लागत 850 करोड़ है। 850 करोड़ रुपए हॉलीवुड में कोई भी मूवी बनाई जाती है तो उसमें लग जाते हैं। अमेरिका ने जब यह अभियान किया तो अमेरिका की लागत आई थी 1919 करोड़। चीन ने अभियान किया तो चीन की लागत आई थी 5759 करोड़। इसी प्रकार से रूस ने जो अभियान किया, रूस की लागत आई थी 13712 करोड़। तो ये भारत की एक बड़ी ताकत है और स्वदेशी की ताकत है। मैं 2007 की एक बार बात करूंगा। 2007 में रूस की एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम चंद्रयान 2 लॉन्च करेंगे, और ये जो 2 लॉन्च करेंगे इसमें जो लैंडर उतरेगा वो आप हमें देंगे। रूस ने कहा कि ठीक है, हम इस आपको दे देंगे, हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2013 में अचानक रूस की एजेंसी ने बहाने बनाए और मना कर दिया कि हम आपको लैंडर नहीं दे सकते। तो हमारे अंतरिक्ष के, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इसरो ने विक्रम लैंडर स्वदेशी तकनीक से बनाया। आज स्वदेशी की ताकत पूरी दुनिया में, स्वदेशी की गूंज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में। जितने भी बड़े देश हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, उसमें भारत एक बड़ी ताकत है। भारत के पास वो महारत है कि दूसरे देश जिस लागत में और जितने समय में लॉन्चिंग करते हैं किसी सैटेलाइट की, भारत उससे कम समय में, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और उससे बहुत कम लागत में करता है। मिशन मंगल हमारा ऐसा ही एक मिशन था जिसके ऊपर अभी अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई है, मिशन मंगल। उस मूवी को आप बच्चों के साथ जरूर देखें। उसमें दिखाया गया है कि कैसे स्वदेशी तकनीक के बल पर केवल 532 करोड़ रुपए में मंगल के ऊपर मार्स नाम की एक मूवी बनी थी। उस मूवी की लागत हमारा जो मंगल का जो रियल मिशन था उससे कई गुना ज़्यादा थी। तो हमारे भारत की स्वदेशी की तकनीक क्या है, स्वदेशी का स्वावलंबन क्या है, वो आज साकार होगा। अंतरिक्ष विज्ञान में हम कहाँ खड़े हैं वो हमारी ताकत है। आज यदि भारत एशिया के, चाइना को छोड़ दीजिए, बाकी अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन देशों से, एशियन कंट्रीज से, मिडल ईस्ट से, जिनसे भी हम कंपेयर करते हैं, उन सब से बहुत आगे खड़ा है, और उसके आगे होने में सबसे बड़ा योगदान स्वदेशी का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का है। तो आज हम गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ हम उनको नमन करते हैं, हमारे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएँ देते हैं, उनको बधाई देते हैं। हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिले जिससे हमारा देश विश्वगुरु भारत बने। हमारे भारत में ज्ञान विज्ञान शुरू से रहा है और इस स्वदेशी के गौरव को हम अनुभव करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।